And I'm back with another video for crude oil. Okay, so let's look at the chart. एक मेरे पास query जो बार-बार मुझसे messages करके पूछते हैं लोग कि सर ये जो आपकी calls देते हैं ये scalping क्या होता है? Scalping देखिए first of all मैं आपको अभी बताना चाहूँगा इस चीज़ में जैसे कि अभी recently I just uploaded one video with for RSI. RSI का मैं आपको एक small example देता हूँ जैसे RSI मैंने यहाँ पर लगाया. RSI में मैंने आपको क्या बोला था 9 पीरियड का मूविंग एवरेज जो रहेगा उसमें आपको दैट्स स्कैल्पिंग हम इसे कहते हैं जैसे आप बोलते हो ना स्कैल्पिंग क्या होता है स्कैल्पिंग मींस दैट यू आर प्लेइंग इन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम. देखिए अभी जैसे क्या हुआ अभी जैसे मैंने आपको वीडियो अपलोड किया था देन आई टोल्ड यू 70 एंड 30 का हम लेवल लेके रखेंगे. सो अगर आप गौर से देखें यहाँ पर आप देख रहे हैं इस लेवल पर यहाँ पर कहीं जाके 38.52 के आसपास ये ओवरबॉट में चला गया था. 38.50 से देखिए करेक्शन कहां तक आई है हमारी करेक्शन हमारी इस लेवल पे आई है विच इज 38.15. सो जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर आप कोई आरएसआई आप कोई दूसरा अगर इंडिकेटर यूज कर रहे हैं लेट्स से मूविंग एवरेजेस ओके विच आर प्रीटी गुड वन इन केस इफ यू हैव चेक्ड माय प्रीवियस द फर्स्ट स्ट्रेटजी विच आई पोस्टेड फॉर द क्रूड ऑयल जिसमें मैंने आपको बताया था 220 का जो मूविंग एवरेज था एंड 20 का मूविंग एवरेज. लेट्स टॉक स्टेप बाय स्टेप ओके. फर्स्ट ये ओवरबॉट से इस ओवरसोल्ड तक आना इज कॉल्ड करेक्शन. डू यू सी दैट अभी ये ओवरसोल्ड में चला गया देन अगेन इट्स बाउंसिंग. सो मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि यू फॉलो दिस स्ट्रेटजी. मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा पहले जाके थोड़ा बैक टेस्टिंग कीजिए हर टाइम फ्रेम का बैक टेस्टिंग कीजिए बिकॉज सी आप भी तो अगर मैं आपके लिए कुछ स्ट्रेटजी या कुछ मैं आपको ज्ञान देने की कोशिश करूँ आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. 5 मिनट के चार्ट को देखना छोटे छोटे ट्रेड लेना छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ छोटे छोटे प्रॉफिट के साथ इज कॉल्ड स्कैल्पिंग ओके. सो आपका एक क्वेश्चन का आंसर तो यहीं पे मैं खत्म कर देता हूँ ठीक है. 5 मिनट 3 मिनट 1 मिनट का टाइम फ्रेम इफ यू टॉक अबाउट यूएस ट्रेडर्स जो यूएस में ट्रेडिंग सिस्टम जो लोग फॉलो करते हैं वहां पर ज्यादातर लोग डे ट्रेडर का ही पसंद करते हैं बिकॉज डेली क्या होता है कि जैसे कि आप डे ट्रेडर हैं ठीक है आप स्कैल्पिंग करते हैं छोटे छोटे टाइम फ्रेम में ऐसे में क्या होता है आपको ऑलरेडी पता होता है कि आपका एक स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो आप दूसरा ट्रेड लेते हैं दूसरे में भी स्टॉप लॉस हिट होता है मतलब जो डे ट्रेडिंग कर रहा है ना उस बंदे ने डिसाइडेड है ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है कि दिन में वो 4 से 5 ट्रेड लेगा 4 से 5 ट्रेड में उसके 3 भी ट्रेड अगर सही निकल जाते हैं तो वो उसका दिन का टारगेट हो जाएगा एंड ही वुड शट डाउन द सिस्टम. अब दूसरा क्या होता है दूसरा होता है पोजिशनल ट्रेड स्विंग ट्रेड्स. इफ यू चेक दिस वीडियो आपने ये वाला मेरा वीडियो शायद आई एम नॉट श्योर आपने देखा नहीं देखा ये देखिए ये सुनिए वीडियो को holding terms for maybe a week time maybe couple of days for next week because it's Friday first target I'm expecting is 50.27 then 51.73 and 53.11 which I'm trying to point over here it looks like head and shoulder inverse head and shoulder which is actually a bullish sign. See यही मैं आपको बताना चाह रहा था अगर अभी आप इस चार्ट पे देखेंगे ना तो इस चार्ट पे जो प्राइस जब ये मैंने कॉल दी थी प्राइस उस टाइम पे था इसका $45.80 $45.80 पे मैंने टारगेट प्रोटेक्ट किया था आज से 3 वीक्स बिफोर. ये हमने 28 दिसंबर का मेरा वीडियो है जिसमें मैंने बोला था क्रूड ऑयल अगर $46 का अगर लेवल तोड़ता है तो वो $53 तक जा सकता है. उस कहने का मतलब है $60 को अगर हम MCX में देखें तो आपका कम से कम 400 से 500 पॉइंट की मूवमेंट होगी क्रूड ऑयल में. और आज का अगर आप प्राइस देखना चाहें तो इवन इफ यू गो टू investing.com देखिए आज का जो प्राइस चल रहा है ये हमारा चल $53.41. सो ये जो मैंने ट्रेड मारा था और जो ये जो ट्रेड मैंने अपने ग्रुप में शेयर किया था दिस इज कॉल्ड अ पोजिशनल ट्रेड. सो द डिफरेंस बिटवीन पोजिशनल ट्रेड एंड स्विंग ट्रेडिंग
स्कैल्पिंग इज, स्कैल्पिंग में आपका क्या रहता है, दिन के आपके 4 से 5 ट्रेड रहते हैं छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ, छोटे छोटे से टारगेट्स के साथ। एंड ये क्या होता है, ये आपका बड़ा ट्रेड होता है जिसमें क्या होता है आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से अगर आप स्टॉप लॉस ले रहे हो 100 पॉइंट का, तो आपका टारगेट भी जो रहेगा वो आपका रहेगा 200, 300, 500 पॉइंट एज पर रिस्क एंड रिवॉर्ड। सो छोटे टारगेट छोटा फायदा, बड़े स्टॉप लॉस बड़ा फायदा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्कैल्पिंग एंड द पोजिशनल ट्रेड। सो ये अभी आपने देखा, ये मैंने थोड़ी देर पहले आरएसए वीडियो डाली थी, तो ये हो गया। एंड इन केस इफ यू चेक 221 वाला जो मैंने आपको जो पहली मेरी वीडियो थी यूट्यूब पे, देखिए दिस वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट, ये वाला नो लॉस इंट्राडे, इसमें भी ऐसा होता है। अगर आप, मैंने पीछे देखा तो नहीं, बैक टेस्टिंग अगर मैं काउंट करना स्टार्ट करूं, आई एम नॉट श्योर कितना प्रॉफिट होगा। सो इसमें आप देखिए, आज सुबह जब मार्केट खुली तो इट वॉज ऑलरेडी इन सेल। डू यू सी दैट, कि ये व्हाइट वाला मूविंग एवरेज छोटा वाला 20 की मूविंग रेड को काटा हुआ है। सो ये आज खुला ही नेगेटिव में था, विच मीन्स डाउन क्या है, हमारा ट्रेंड जो है डाउन ही है। देखिए यहाँ से 38-48 पे भी अगर हम शॉर्ट मारते तो उसने पहले 38-28 मारा, फिर उसने क्या किया, रिट्रेस किया। लेकिन डू वी हैव एनी बुलिश क्रॉस ओवर, कोई क्रॉस ओवर नहीं हुआ तो वापस ये नीचे ही गया, 38-14 का लो मारा है। सो कहने का मतलब ये है, जो हमारे कोर्सेज होते हैं उसमें हम सिर्फ आपको एक ही चीज नहीं सिखाते, उसमें कम से कम आपको 8 से 10 चीजें सिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। बिकॉज क्या होता है, आप एक ही स्ट्रेटजी पकड़ के लॉन्ग टर्म तक, उसमें क्या है, कई सारी चीजों को अगर आप देखते हो, अगर आपको लेट से एक स्ट्रेटजी ने बोला कि हाँ इट्स एक्चुअली अ सेल, ठीक है, और कॉन्फर्मेशन के लिए दूसरी स्ट्रेटजी ने भी बोला सेल, देन इट्स प्रीटी ओके। लेकिन थर्ड स्ट्रेटजी भी जब आपको बोलती है ना हाँ भाई इट्स अ सेल, सो तीन चार चीजों का जब आप कॉम्बिनेशन मिला के चलते हो ना, तो जो आपका ट्रेड के चांसेस जो होते हैं, जो उसका सक्सेस रेशियो होता है, वो काफी बढ़ जाता है। सो यही मैं आपको बताना चाहता था। अगर ये छोटा सा जो हम इस टाइम खेल रहे हैं, इसमें तो खैर हमने बड़ी मूविंग एवरेजेस लगा रखे हैं। एक स्कैल्पिंग कैसे होती है, जैसे कि लेट से मैंने 20 का मूविंग एवरेज लगा रखा है, मैं इसको चेंज करके दिखाता हूं आपको। इसे मैंने लगा दिया 14 का, एंड ये जो दूसरा मूविंग एवरेज है इसको मैंने कर दिया 7 का। एक देखिए स्कैल्पिंग ये भी होती है, छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स में छोटे छोटे से क्रॉस ओवर। डू यू सी, यहां पर एक मार्केट ने जैसे खुला तो नेगेटिव ही खुला है, यहां पर क्या हुआ, एक बुलिश क्रॉस ओवर आया। डू यू सी दैट बुलिश क्रॉस ओवर, तो लेट से अगर आपने यहां पर कहीं बाय किया होता तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, बिकॉज यहां से मार्केट नीचे गिरी। अगर आप यहां पर सेल करते तो मार्केट ऊपर आ गया। अब देखो पहला सिग्नल जो था आपका फेल हो गया, विच मीन्स आपका लॉस हो गया। सी आई एम नॉट लाइक अदर पीपल हु वुड शो यू ओनली पॉजिटिव पॉइंट्स, मैं आपको सारा नेगेटिव पीछे जो जो हो रहा है ना, बिकॉज आई रियली वॉन्ट दैट वन शुड नॉट बी डिफेमिंग। हम इसे जो भी बंदे मार्केट को सट्टा बाजार कहते हैं, मेरे ख्याल से आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर दोज पीपल, बिकॉज अगर आप देखें, मैं सिर्फ आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि मार्केट में बंदा सक्सेसफुल वही है जो अपने इमोशंस को काबू कर सके, ठीक है। लेट्स से हम आज का एग्जांपल लेते हैं, देखिए यहां पर क्या हुआ, आपका पहला जो सक्सेस रेट था वो जीरो हो गया, बिकॉज यहाँ पे अगर आपने 38-45 पे बाय किया होता, सो लेट्स से मुझे जैसे प्राइस एक्शन का पता है क्या, तो मैं स्टॉप लॉस इसका 38-40 के नीचे लगाता, मतलब कि मैं बाय कर रहा हूँ, 5 रुपए का मेरा रिस्क होता, इसके नीचे ऑलरेडी मेरी सेल होती। लेकिन लेट्स से अगर आपको जैसे प्राइस एक्शन की नॉलेज नहीं है, लेट्स से आपने यहाँ बाय किया, आपका ये मार्केट नीचे आ गया 38-28 पे, विच मीन्स आपका जो लॉस हुआ है वो 15 से 20 पॉइंट का हुआ है। अब आपने क्या किया, यहां पर कहीं आपने शॉर्ट मार दिया, किस लेवल पे, 38-28 पे। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, बुलिश क्रॉस ओवर दे दिया इस जगह पे, सो मार्केट 38-37 अगेन आपका 10 रुपए का नुकसान हो गया। लेकिन जस्ट थिंक अबाउट इट, 38-37 पे जो हमारा तीसरा ट्रेड था उसमें इट्स एक्चुअली अ बाय सिग्नल, 38-37 से मार्केट ने हाई मारा है 56, विच इज अगेन 20 पॉइंट। सो स्कैल्पिंग क्या होती है, जैसे एक बंदे का इसमें लॉस लगा तो वो यहाँ क्या करता है, अपने लॉट्स की मात्रा बढ़ा देता है। सो रिस्की, आई गेस स्कैल्पिंग उन्हीं बंदों को मैं सजेस्ट करूंगा जो डेली का, आप काफी टाइम से स्कैल्प कर रहे हो, आपको मार्केट की नॉलेज है, आपको अपने सिस्टम सेटअप पे विश्वास है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई गेस एज पर माई एक्सपीरियंस द ओनली थिंग विच आई वुड सजेस्ट, अपने सिस्टम पे विश्वास करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मार्केट में बंदा वही सक्सेसफुल है जिसको अपने सिस्टम के बारे में नॉलेज है, जिनको इन मूविंग एवरेजेस के बारे में नॉलेज है,
वो जिनको प्राइस एक्शन की नॉलेज है और एनी एनी सीक्रेट स्ट्रैटेजी और कोई भी आपकी अपनी स्ट्रैटेजी है जिसको आप हमेशा फॉलो करते हैं, उसको आप मिस नहीं करते। अब देखिए, मैंने यहाँ पर अगर बाय किया होता 38 पे तो मेरे को पहला 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता, फिर अगर मैंने यहाँ पर एक सेल किया होता 38.47 पे तो मार्केट ने लो मारा 15 का। अब कहने का मतलब यह है, देखो पहला दिन खराब शुरुआत हुई यहाँ से, दूसरा दिन हमारा ऑलमोस्ट 30 पॉइंट का नुकसान हो गया। लेकिन आप सोच के देखिए ना, 38 से मार्केट गया 57, 19 पॉइंट, यहाँ 45 से मार्केट नीचे आया 15, तो अगेन आपको कितने मिले, ऑलमोस्ट 30, आपका 30 पॉइंट का नुकसान हुआ। लेकिन अगर आप इमोशंस कंट्रोल करके स्कैल्पिंग, अगर आप 4-5 दिन के ट्रेड मार रहे हो, अगर आप वो कंटिन्यूअसली मारते रहोगे तो दिन के एंड में, टूवर्ड्स एंड, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैं दिन में प्रॉफिट में ही निकलूंगा। वो लॉट साइज कैसे बढ़ाते हैं, वो कैसे ट्रेड करते हैं, वो सब अपना आगे जाके हम आपको बताएंगे। बाकी स्कैल्पिंग का मतलब आई एम श्योर अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो मैं स्कैल्पिंग लिखता हूँ, जैसे मैंने आपको बोला कि 35 पे मैंने बाय किया है, मेरा स्टॉप लॉस है 28 का। सो अब ये देखिए, उसने 38 से उसने इस जगह पे, मैंने कहीं बोला था दिस जगह पे, तो उसने कितना मारा, 44 मारा। बस आई केप्ट थिंकिंग कि इट वुड गो अप, लेकिन वो एकदम से उसने क्या किया, मेरा स्टॉप लॉस खा लिया। फिर हमने क्या किया, यहाँ से सेल की पोजीशन जनरेट कर ली और यहाँ पे स्टॉप लॉस भी रिकवर कर लिया। सो वन दी, मैं आपको सिर्फ एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा, वन शुड डेफिनेटली नो बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड कि आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आपका क्या टारगेट रहेगा और आपको कितने पॉइंट में निकलता है। बेशक आपका 10 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस है तो आपका टारगेट भी 10 पॉइंट का, 20 पॉइंट का, 30 पॉइंट का, ऐसे रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से होना चाहिए। वन शुड डेफिनेटली नो उसको प्रॉफिट लेके कब बुक करना है एंड कब उसको एग्जिट मारना है। ठीक है गाइस, इसी के साथ ही मैं अलविदा कहना चाहूंगा। आई एम श्योर स्कैल्पिंग का मतलब एंड पोजिशनल ट्रेड का मतलब, पोजिशनल अगर मैं यही 5 मिनट का चार्ट डेली का कर देता हूं, सो दिस इज कॉल्ड पोजिशनल ट्रेड। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेरी। यहां पर देखिए, एक सेल का सिग्नल जनरेट हुआ था डेली स्विंग ट्रेड में 5132 से, 5132 से मार्केट कहां है 3451, विच इज ऑलमोस्ट 1700 पॉइंट्स। सो यही फर्क होता है, अभी क्या है, अभी क्रूड बाय में चल रहा है इस टाइम पे। बट जैसा कि अगर हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको ऑलरेडी ये मैसेज डाला हुआ है कि दिस लेवल 3860 से लेके 3900 का जो लेवल है, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल। बिकॉज आप देखेंगे कि पहले भी इस जगह पर ये कितने दिन तक अटका था, ऑलमोस्ट फॉर अ वीक टाइम ये यहाँ पर इसने रेसिस्टेंस फेस करी थी, अभी हम उसी लेवल पे हैं। सो लेट्स सी क्या होता है, हम अगर ये लेवल टूटता है हमारा, सो फिर चांसेस हैं कि आने वाले दिनों में हम 4151 एंड 4120 4100 का भी लेवल देख सकते हैं। अगर ये नहीं टूटता है तो देन अगेन देयर आर चांसेस कि हम दोबारा 3721, ठीक है, वो तो सिर्फ प्रेडिक्शंस की बात हुई, बट आई एम श्योर कि यू कैन अंडरस्टैंड नाउ, ये डेली का चार्ट देखना इज एक्चुअली अ स्विंग ट्रेड, आई मीन पोजिशनल ट्रेड। 5 मिनट का चार्ट देखना इज कॉल्ड स्कैल्पिंग। थैंक यू वेरी मच गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो काइंडली डू गिव अ थम्स अप, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू शेयर प्लीज, थैंक्स।